पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पेगासस जासूसी मामले में केंद्र सरकार पर पेगासस स्पाईवेयर खरीदकर जासूसी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे कि ना तो उसने पेगासस खरीदा और ना ही इसका लाइसेंस लिया। उन्होंने कहा, सरकार बताए कि यह क्यों खरीदा गया, क्या कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था। उन्होंने कहा, यह भी साफ होना चाहिए कि नेताओं और पत्रकारों की जासूसी क्यों की गई। इस दौरान उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, ई टेंडर घोटाले को लेकर केंद्र और शिवराज सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार महंगाई के लिए सीधे जिम्मेदार है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, जिससे हर चीज की महंगाई बढ़ी। खाने का तेल, अनाज जैसी आवश्यक वस्तुओं में महंगाई बढ़ी है। उन्होंने कहा, क्रूड ऑयल की कीमत पहले से ज्यादा थी, तब पेट्रोल के दाम कम थे, लेकिन अब सब मिलाकर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, रोजगार के साधन सरकार नहीं निकाल पा रही है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार में उन्होंने ट्रांसपोर्ट में मध्य प्रदेश के ट्रकों को लगाने की बात कही थी, जिससे एक ट्रक से प्रदेश के 3 लोगों को रोजगार मिलता है। कमलनाथ ने कहा कि देश और प्रदेश का इकोनॉमिक इंडेक्स खराब हो चुका है, जिसके चलते स्थितियां बिगड़ रही हैं। महंगाई जो आज हर वर्ग की कमर तोड़ रही है, पेट्रोल हो, डीजल हो, आपने मोदी जी के भाषण सुने होंगे 213-214 में, जब पेट्रोल 55 रुपए था, 60 रुपए था, जब पेट्रोल 50 रुपए था, 60 रुपए था, शिवराज जी तो अपनी साइकिल में कहते थे मैं साइकिल में घूमूंगा, मोदी जी चिल्लाते थे, जो डॉलर का भाव था आज क्या है, पेट्रोल आज 109 रुपए, मुझे बताने की जरूरत नहीं, डीजल 100 रुपए, क्रूड ऑयल पर का ये बहाना बनाते हैं। एक बहुत आवश्यक बात और गंभीर बात, 2014 में जब पेट्रोल का भाव 60-70 रुपए था, उस वक्त क्रूड ऑयल का भाव एक बैरल 105 डॉलर का था। ये तो आप इंटरनेट खोल लीजिए, आपको ग्राफ देख लें। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि झूठ बोल दूंगा, मैं सबूत के साथ आपको कह रहा हूं, आज 45 डॉलर है, आज 45 डॉलर है। ये क्यों? हमारा पेट्रोल डीजल लीजिए, कुकिंग गैस लीजिए, इनमें सेस, इनमें ड्यूटी। हम दाल में आए, तुअर दाल 2014 में 65-70 रुपए, आज 150-190 रुपए। मूंग दाल वो भी 65-60 रुपए थी, आज 100-120 रुपए। उड़द दाल आज 130-145 रुपए। ये मैं लाया हूँ, कुछ कॉपियां हैं, मैं दे दूंगा आपको, ये एक को दे दो, ये दे दो, दे देगा। खाने का तेल 60-70 रुपए का था, आज 160 से 200 रुपए तक का है। दूध 45 रुपए का होता था, आज 57 रुपए का है। इसमें किसान को लाभ नहीं हो रहा, किसान को जो उपलब्ध होता था वो तो उतना ही है। मैं मानता अगर किसान को दूध का भाव मिलता, घी, अंडा, ये सब उदाहरण है, जो घी 380 रुपए में था आज 600-700 रुपए में होता है। तो आज ये महंगाई हर वर्ग की कमर तोड़ रहा है। कोविड से जुड़कर आज जो हमारा मध्यम वर्ग था, गरीब वर्ग बन रहा है। गरीब वर्ग था ये और नीचे गया है, इनमें से कुछ तो भिखारी बन गए। मेरे को रोज मिलते हैं, आज भी कुछ लोग मिले कि हमें कुछ मुआवजा दिला दीजिए, हमारी दुकान की बिजली का बिल हम नहीं दे सकते, इसीलिए मैं लेट हुआ। आज ये जो है महंगाई, इससे किसको लाभ हो रहा है, मेरा ये प्रश्न है, क्या किसान को लाभ हो रहा है? अंत में जब हमने MSP समर्थन मूल्य बढ़ाया था, इसका भी रिकॉर्ड है, उससे महंगाई बढ़ी। और हमने जानते हुए उस वक्त कैबिनेट में ये कहा कि महंगाई बढ़ जाएगी, हमने कहा बढ़ने दो,
कपास का बढ़ाओ, इसका बढ़ाओ, गेहूं का बढ़ाओ, क्योंकि ये अंत में ट्रांसफर ऑफ फंड्स होता है हमारे रूरल इंडिया में, हमारे ग्रामीण इंडिया में। आज मध्य प्रदेश में 70% लोग, ये मैं बहुत बहुत दफा कह चुका हूं पर मैं दोहराना चाहता हूं, 70% लोग कृषि क्षेत्र से संबंधित है। जिसकी किराने की दुकान गांव में होए, उसकी किराने की दुकान तभी चलती है जब किसान की क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो। तो सबसे बड़ी चीज है क्या, आर्थिक गतिविधि जिसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हमारा इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी घट रहा है। कमलनाथ ने केंद्र पर जासूसी का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र ने पेगासस के जरिए 400 लोगों की जासूसी की है। भाजपा सरकार ने दूसरों की ही नहीं अपने लोगों की भी जासूसी करवाई है। उन्होंने बताया कि पेगासस बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के नहीं लिया जा सकता और इस सॉफ्टवेयर के लाइसेंस से एक समय में मात्र एक आदमी का फोन सर्विलांस पर डाला जा सकता है। केंद्र सरकार ने किस आधार पर पेगासस की खरीदी की, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पत्रकार, नेता, कोर्ट के जज सभी की जासूसी की गई। उन्होंने कहा अगर केंद्र ने यह नहीं खरीदा और किसी दूसरे के द्वारा यह किया गया है तो यह उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। कमलनाथ ने कहा इजरायली कंपनी एनएसओ से पेगासस के माध्यम से जासूसी कराई जा रही है या नहीं, इसको लेकर सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए। विपक्ष को भरोसे में लेकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराई जाए। फ्रांस के इस पर जांच शुरू कर दी है। पेगासस का एक सॉफ्टवेयर आता है, वो केवल सरकारों को बेचते हैं। ये पेगासस का सॉफ्टवेयर जब इन्होंने इंडिया को बेच दिया, तब अगर उनको जीतू पटवारी का सर्विलेंस करना है उसके लिए उनको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। एक लाइन के लिए एक लाइसेंस होता है। तो ये लाइसेंस खरीदती है सरकार। जब इन्होंने एक व्यक्ति का सर्विलेंस उसमें शुरू कर दिया कि उस लाइसेंस में केवल एक व्यक्ति का सर्विलेंस हो सकता है, पर वो आप किसी का महीने भर के लिए करिए, दूसरा नंबर लगा लीजिए उसी लाइसेंस में, उसी लाइसेंस में आप 100 नंबर लगा सकते हैं, पर एक के बाद एक साइमल्टेनियसली आप नहीं लगा सकते। तो भारत ने ये केवल सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा, ये लाइसेंस लिया, लाइसेंस खरीदा, ये बयान दे रहे हैं। और ये जो एनओएस है, ये जो कंपनी है, ये कह रही है हम केवल सरकारों को बेचते हैं, हमें नहीं पता किसका किया। अगर मैंने जीतू पटवारी का नंबर दे दिया, उनको क्या पता जीतू पटवारी का नंबर है, ये नंबर है किसका हो, उनको उससे मतलब नहीं है। उनको तो अपने लाइसेंस की कीमत से मतलब है। तो कितने लाइसेंस खरीदे, अगर आपने इसका पेगासस का सॉफ्टवेयर खरीदा, कहा जाता है ये 10 मिलियन 20 मिलियन 50 मिलियन डॉलर का आता है, आपने खरीदा, उससे काम नहीं चलने वाला, आपको लाइसेंस भी लेना पड़ेगा एक एक नंबर के लिए। कितने लाइसेंस खरीदे, ये लाइसेंस और ये सॉफ्टवेयर खरीदने के भी एक टेक्निकल कमेटी होती है। आप जानते हैं गवर्नमेंट में जब तक एक कमेटी ना अप्रूव करे कोई व्यक्ति तो खरीद नहीं सकता, एक कमेटी होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमारा कानून है, कानून बने हैं, हमारा टेलीग्राफ एक्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट के वर्जन में इस सब चीजों में नहीं जा रहा क्योंकि इस सब से ये सब तो है मेरे पास, पर इतना लंबा मैं नहीं खींचना चाहता हूं। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खरीदा गया था या मोदी जी के सुरक्षा के लिए खरीदा गया था? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा माने मोदी सुरक्षा? इज नेशनल सिक्योरिटी, डज इट मीन मोदी सिक्योरिटी? किस लिए यह खरीदा गया? अगर गवर्नमेंट के हाथ साफ है, ये कहें हमने कभी नहीं खरीदा, कोर्ट में एफिडेविट दें हमने कभी नहीं खरीदा, क्यों नहीं करते गोलमोल जवाब? और ये कहते हैं ये पार्लियामेंट के समय क्यों हुआ? ये तो भाई 219 व्हाट्सएप ने तो प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी कि आपका फोन सर्विलेंस में, उन्होंने कईयों को चिट्ठी लिखी, कईयों को चिट्ठी लिखी कि आपका फोन सर्विलेंस में है, जहां उन्होंने देखा कि यह हो रहा है, उन्होंने भी टेस्ट चेक किया। अब व्हाट्सएप ने तो पूरा इनसे संबंध
आज के अखबार में भी था, गूगल ने भी जो उनका इंटरनेट का है उन्होंने इनको बैन कर दिया एनएस को, आज के अखबार में पढ़ा। इनका झगड़ा व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ने तो केस चलाया इन पर, अमेरिका में केस चलाया कि हम तो कहते हैं ये एंड टू एंड सिक्योरिटी, आप देखेंगे व्हाट्सएप में आता है एंड टू एंड सिक्योरिटी, तो आप तो वायलेट कर रहे हैं इसे। और पेगासस में आप केवल वॉइस नहीं करते, आप सब कुछ उससे समेट लेते हैं, ये पेगासस की खूबी है। और जो आप टेलीफोन कंपनी से नहीं ले सकते, टेलीफोन कंपनी से तो आपने लाखों का लिया है, हमारी अगर जियो से पूछें, वोडाफोन से पूछें, एयरटेल से पूछें, कितने नंबर आपको सर्विलेंस के लिए मांगे, ये बयान दें क्या? ये टेलीफोन कंपनियां बयान दे सकते हैं कि हमने कोई सर्विलेंस नहीं किया? टेलीफोन का तो मैं जाना नहीं चाहता, वो तो थानेदारी कर सकता है जो लैंडलाइन है। पर पेगासस में खूबी थी कि ये पूरे फोन के अंदर घुस सकते थे, आपकी क्या ईमेल्स हैं, आपका क्या पासवर्ड है, आपकी क्या चैट्स हैं, आपकी क्या मैसेजेस हैं, और ये तभी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तभी बेच सकते हैं जब इजरायली गवर्नमेंट की परमिशन हो। पूरा विश्व देख रहा है कि ये ना तो इन्वेस्टिगेशन में, फ्रांस ने तो फौरन इंक्वायरी ऑर्डर कर दिए, अपना देश क्यों नहीं करने को तैयार? और अगर इंक्वायरी करनी है ये एक सुप्रीम कोर्ट जज से करवाएं विरोधी दलों की सहमति के साथ, कि इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी टैपिंग होगी, तो हमें इस पर विश्वास नहीं है, ये हमारी सहमति से कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज का नाम इसमें विरोधी दलों की सहमति के, वो तो है ही सुप्रीम कोर्ट का जज, पर वो ऐसा जज ना होए जिससे उन्होंने पहले ही इसकी जासूसी करी हुई है, तब उसको दबाएं। और आप देख रहे हैं गवई का जो आया, उसके बाद राज्यसभा मेंबर बना दिया, ये क्या साबित करती है सब बातें? एक सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा, सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस की नहीं बल्कि अपनी चिंता करें, उन्होंने जासूसी कांड को लेकर एक शब्द भी नहीं बोला। इससे साफ पता चलता है कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा वे 9 अगस्त से होने वाले विधानसभा के सत्र में जासूसी नहीं होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा हो सकता है कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सरकार गिराने के लिए इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया हो। ई टेंडर घोटाले को लेकर कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने जांच राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को दी, अब जब 7 टेंडरों की रिपोर्ट आई तो हमने कहा कि सभी टेंडरों की जांच करो, जिसमें 90 में गड़बड़ी सामने आई, पर यह घोटाला कहां दब गया किसी को पता नहीं। उन्होंने पत्रकारों से कहा देश के पत्रकारों को सरकार दबा सकती है पर विदेशी पत्रकारों को नहीं, 6 महीने के विदेश के अखबारों को पढ़ने की जरूरत है। और ये ना सोचे पूरा विश्व नहीं देख रहा, हमारे देश का मीडिया को ये दबा सकते हैं पर विश्व के मीडिया को नहीं दबा सकते। पिछले 6 महीने में कृपा करके आप सब विदेशी अखबार पढ़ लीजिए कि उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा है, भारत के बारे में क्या क्या लिखा है, ये पढ़ना भी बहुत जरूरी है, उनको नहीं दबा सकते। पर विदेशी पत्रकारों को भी इन्होंने ये सर्वेलेंस में रखा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।